भारत विच मौसम ने करवट लई है। दिल्ली पंजाब सड़े कई थावां ते बारिश पया। ये भी दस दईए कि पंजाब के कई जिले मीह पैण की भी जो संभावना जाहिर की जा रही आने वाले समय के हालांकि हाले भी मौसम जो है खासा खुशगवार बढ़िया होया। उते हिमाचल प्रदेश का रुख किया जाए तो हिमाचल की आबादियों के ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। तो दो तस्वीरें थोड़ी टीवी स्क्रीन पर ने, हिमाचल तो तस्वीर ने शिमला दियाँ और चंडीगढ़ तो तस्वीर ने, यानी कि दोहां राजधानियों की तस्वीर ने। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ तो तस्वीर ने, हिमाचल की राजधानी शिमला तो तस्वीर तुसी देख सकते हो। मौसम बेहद सुहावना बनिया हुआ है। हालांकि पिछले दिनों के तेज़ धुप खिड़ी तो लोगों को थोड़ा गर्मी का एहसास भी होने लग गया, लेकिन एक बार फिर तो मौसम ठंडा होया क्योंकि तापमान के गिरावट एक बार फिर तो दर्ज की गई है। तो आने वाले कई दिन तक जो है बारिश के इस तरह होने की संभावना भी मौसम विज्ञानी के वालों जाहिर की जा रही है। दो तस्वीर ने थोड़ी टीवी स्क्रीन पर शिमला तो तस्वीर ने, शिमला खूबसूरत वादियों के तस्वीर ने। हल्का जो धुंध का असर भी देखने को मिल रहा है, विजिबिलिटी घट नज़र आ रही है शिमला के, क्योंकि पहाड़ी इलाका है। लेकिन अगर जमीनी खेतर का रुख किया जाए चंडीगढ़ की तस्वीर तुम अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हो। और सड़कों पर आवाजाही खासी प्रभावित होती है जिस वेले बारिश का दौर चलता है, कितने ना कितने सीवरेज व्यवस्था भी ठप होती हुई नज़र आती है। लेकिन चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल, तो मौसम खुशगवार है, मौसम का आनंद माणते हुए लोग भी नज़र आते हैं। तो पवित कौर साढ़े नाल चंडीगढ़ तो जुड़ चुके साढ़े सहयोगी लाइव, और शिमला तो संदीप साढ़े सहयोगी जुड़ चुके हैं लाइव। संदीप, सब तो पहले मैं थोड़ा रुख करूँगी, खूबसूरत वादियां का रुख किया जाए। हालांकि पिछले दिनों में जो थोड़ी गर्मी का एहसास जरूर हुआ था, लेकिन एक बार फिर से बारिश का दौर हुआ है, एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है, एक बार फिर से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। गगन, देखिए पिछले 24 घंटों से लगातार जो है हिमाचल प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की दस्तक के बाद से ही मौसम खराब चल रहा है, और आज पूरा दिन बहुत सारे एरिया हैं, अगर किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़ दें तो बाकी के 10 जिला में ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से दिया गया है। और ऐसे में लगातार पूरा दिन हो चुका है, बारिश इस जो है वो यहाँ पर हो रही है। साथ ही तस्वीरें जरूर दिखा दूं, इस वक्त हम लोग मनाली ले नेशनल हाईवे पर हैं, और इस हाईवे की तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि लगातार जो है वो बारिश किस तरीके से यहाँ पर हो रही है। लेकिन ऊंचाई वाले इलाकों की अगर बात करें तो रोहतांग दर्रा हो या अटल टनल के आसपास के इलाके हों या 8000 फीट से ज्यादा ऊंचाई वाले तमाम इलाकों में एक बार फिर से बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। जाहिर तौर पर इस हाईवे पर जो है वो यातायात लाहौल की तरफ को और लेह की तरफ को जो है वो प्रभावित हुआ है। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक जो है वो अगले 2 से 3 दिनों तक मौसम का रुख जो है वो प्रदेश में इसी तरीके से रहेगा। जाहिर तौर पर पिछले कुछ दिनों में 2 से 3 दिनों तक जो है वो अच्छी धूप खिली थी, टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा था, लेकिन अब एक बार फिर से 7 से 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की गई है। मनाली की अगर मैं बात करूं तो मनाली में मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 8 से 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है इस वक्त बना हुआ है, और मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। जिस तरीके से मौसम का ये रुख है तो जाहिर तौर पर तमाम जितने भी ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर अगले कुछ दिनों तक बर्फबारी का दौर जारी रहेगा, और उसका असर मैदानी इलाकों पे जरूर पड़ेगा। देखो बर्फबारी का दौर होगा, जाहिर सी बात है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो पहाड़ का रुख करते हैं। वहां पर अगर सैलानियों के लिए बात की जाए तो प्रशासनिक स्तर पर या सरकारी स्तर पर कोई एडवाइजरी जारी की गई है? बिल्कुल गगन, जिस तरीके से मौसम विज्ञान केंद्र ने जो है वो मौसम का फॉरकास्ट जारी किया है, उसके तहत जितने भी हाई एल्टीट्यूड वाले जिला आते हैं जिनमें कुल्लू जिला है, लाहौल स्पीति है, और दूसरे जिला की अगर बात करूं तो तमाम उन एरियाज में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक जनरल एडवाइजरी जारी की है, जिसके तहत जो है सैलानियों और लोगों से जो है वो ये गुहार लगाई गई है कि ऐसी लोकेशन ना चूज करें जहां पर जो है लैंडस्लाइड सबसे बड़ी परेशानी बनती है बरसात के टाइम में, और दूसरी तरफ जो है हाईल्टीट्यूड जहां पर बर्फबारी हो रही है, जिनमें अगर बात करें तो मनाली ले नेशनल हाईवे पर लाहौल से ले तक के एरिया या चिंकुला का एरिया है, वहां पर जो है वो मौसम का रुख देखकर ही ट्रैवल करें। और पुलिस की डिप्लॉयमेंट जो है इन इलाकों पर ऑलरेडी कर दी गई है, और कई सारे एरियाज में जो है वो बैरियर लगा दिए गए हैं। और अगर इस वक्त मौजूदा दौर की अगर बात करें तो अटल टनल से लगभग 12 किलोमीटर पहले सोलन वैली में ही जो है सैलानियों को रोकने के निर्देश दे दिए गए हैं, क्योंकि आगामी समय में जिस तरीके से बर्फबारी अटल टनल के आसपास के एरिया में हो रही है तो किसी तरीके की परेशानी सैलानियों को ना उठानी पड़े, उसके तहत जो है इस तरीके की हिदायत दी गई है। हालांकि ये बर्फबारी की चाल ये ही सैलानी गगन यहाँ पर पहुंचते हैं, और जाहिर तौर पर अप्रैल महीने
की शुरुआत के साथ ही जो है वो जबरदस्त तरीके से पूरी सीजन की शुरुआत भी यहाँ पर होती है। और हिमाचल प्रदेश के जितने भी, चाहे शिमला हो, कुल्लू मनाली हो, धर्मशाला हो, चंबा हो, इन तमाम एरिया में सैलानियों की भरमार जो है आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। क्या बने रहेगा जानकारी आपसे मैं लूंगी। चंडीगढ़ का रुख करेंगे, पवित्र साढ़े नाल जुड़ी हुई है। पवित्र, की कहना मौसम का मिजाज होते? जी बिल्कुल गगन, मार्च 3 तो ही जिहड़ी वैस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो गई सी, उहदे करके लगातार मौसम दे विच जिहड़ा है बदलाव देखण नूं मिल रहे सी। किते मीह ते किते धुप्प दा जिहड़ा दौर है उह लगातार जारी सी, पर तुहानूं दस दईए कि कल रात तो ही मौसम ने एकदम करवट बदली ते कल रात तो ही मीह जिहड़ा लगातार पंजाब, हरियाणा ते चंडीगढ़ दे एरियाज़ दे विच लगातार पै रिहा। तुहानूं दस दईए कि कल अकॉर्डिंग टू IMD इंडियन मैट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट दा, उहनां दा कहना है कि कल जिहड़ा आ मीह दा असर जिहड़ा है खत्म हो जूगा। उस तों बाद एक होर वैस्टर्न डिस्टर्बेंस जिहड़ी है उह 3 अप्रैल नूं एक्टिव होगी, जिहदे करके फिर जिहड़ा मीह दा दौर दोबारा शुरू हो जूगा जो 5 अप्रैल तक रहेगा। तुहानूं दस दईए किते ना किते मीह जिहड़ा है पर्यटकां लई इक खुशी जरूर लैके आया, पर अगर असीं गल करिए किसानी तबके की तो उन्हां दी फसलां नूं काफ़ी नुकसान जिहड़ा बेमौसम बारिश दे करके वह देखण नूं मिल रहा है। दूजे पासे मौसम दे विच वी काफ़ी गिरावट जिहड़ी है वह 1-2 दिनों तो जिहड़ी देखण नूं मिल रही सी। किते अगर असीं 2 दिन पहलां दी गल करिए तो तापमान जिहड़ा काफ़ी वध रहा सी, बट 2 दिनों तो लोगों नूं काफ़ी जिहड़ी राहत है वह मौसम तो जरूर मिली है, लेकिन किते ना किते फसलां दे नुकसान दे करके किसानी तबका जिहड़ा वह जरूर परेशानियों का सामना कर रहा है। IMD वालों जिहड़ा येलो अलर्ट वह जारी किया गया सी, पर कल तो IMD का कहना है कि कल तो मौसम फिर एक बार मिजाज बदलूगा तो मौसम जिहड़ा साफ हो जूगा। कल दिन तक जिहड़ी है 12 तो 1 बजे तक जिहड़ी है हल्की बूंदाबांदी किते ना किते पंजाब, चंडीगढ़ ते हिमाचल दे विच देखण नूं मिलूगी, पर ओ तो बाद मौसम 2 दिनों दे लई एकदम साफ हो जूगा। फिर 3 तो एक होर वेस्टर डिस्टर्बेंस एक्टिव होगी जिदे करके मीह दा दौर दोबारा जारी हो जूगा। गगन, ते खेतीबाड़ी महकमे दे वलों किसानां नूं कुछ सुझाव सुझाए गए ने? जी बिल्कुल, अगर गल करिए IMD ते IMD ने जरूर एक एडवाइजरी जारी की है किसानों के लिए कि वो आउटडोर एक्टिविटीज़ जिहड़ियां ने फसलों नूं लैके वो इस टाइम कोई भी ना करन। 5 तो बाद कहा गया है कि 5 तक कोई भी किसानी एक्टिविटी जिहड़ी है वो ना की जाए। 5 तो बाद किसानों नूं कहा गया है कि वो अपने फसलों वल ध्यान देण या फसलों वल रुख करन, वो तो पहला जो भी एडवाइजरीज़ ने उन्होंने ध्यान दे विच रखे जा सके, क्योंकि येलो अलर्ट जिहड़ा जारी हो चुका है तो कोई भी छेड़खानी जिहड़ी है फसलों के नाल उन्हां नूं होर जिहड़ी है नुकसान पहुँचा सकती है। तो IMD वालों तो किसानी तबके वालों किसानों नूं बस यही कहा गया है कि जो भी एक्टिविटी है किसानी एक्टिविटी वो 5 तारीख तो बाद ही शुरू की जाए। ठीक है पवित्र, बहुत शुक्रिया फिलहाल तक की जानकारी के लिए। संदीप, आपका भी बहुत शुक्रिया फिलहाल तक की जानकारी के लिए।